इस वक्त की बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे झांसी। पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से करेंगे मुलाकात। 5 अक्टूबर को पुलिस एनकाउंटर में हुई थी मौत। आज रात झांसी सर्किट हाउस में करेंगे विश्राम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे झांसी। पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से करेंगे मुलाकात। 5 अक्टूबर को पुलिस एनकाउंटर में हुई थी मौत। आज रात झांसी सर्किट हाउस में करेंगे विश्राम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी जाएंगे आज और पुष्पेंद्र के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 5 अक्टूबर को पुलिस एनकाउंटर में पुष्पेंद्र की मौत हो गई थी और पुष्पेंद्र के परिजनों से मुलाकात करेंगे आज अखिलेश यादव, झांसी जा रहे हैं। पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से करेंगे मुलाकात। 5 अक्टूबर को पुलिस एनकाउंटर में हुई थी पुष्पेंद्र की मौत। साथ ही साथ आज रात झांसी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे झांसी। पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें 5 अक्टूबर को पुलिस एनकाउंटर में हुई थी पुष्पेंद्र की मौत। झांसी सर्किट हाउस में करेंगे विश्राम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे झांसी। पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से करेंगे मुलाकात। 5 अक्टूबर को पुलिस एनकाउंटर में हुई थी पुष्पेंद्र की मौत। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़ चुके। सतीश, अखिलेश यादव कब तक झांसी पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, आज वो पहुंचेंगे झांसी में, झांसी के खरगुआपुर गांव में, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में पुष्पेंद्र यादव की मौत हो गई थी, और उनके परिवार जनों से मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे। आपको बता दें जिस तरीके लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर, और उनका कहना कि जिस तरीके उत्तर प्रदेश में योगी राज है, ये जंगल राज कायम स्थापित है, इसलिए लगातार वो बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झांसी पहुंचेंगे और रात्रि का विश्राम लेंगे, कल लखनऊ आगमन होगा इनका। जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। 5 अक्टूबर को पुलिस एनकाउंटर में हुई थी पुष्पेंद्र की मौत और पुष्पेंद्र के परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। और गाजियाबाद से